हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सजेशन में। तो इस तरह का धुंधला फोटो ब्लर फोटो को बिल्कुल ही क्लियर कैसे करना है, एचडी में कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग धुंधला फोटो को क्लियर कैसे करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोटो को यहाँ से हम कट कर देते हैं और हमारे पास देखिए ये डेस्कटॉप मोड पर डेस्कटॉप पर ब्लर फोटो है जिसको हम ओपन करके दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का ब्लर फोटो है, इसको हमें क्लियर करना है। तो कैसे करना है चलिए, यहाँ से पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं हम, चूँकि इंटरनेट ऑनलाइन माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है hotpot.ai। तो चलिए हम फटाफट लिख देते हैं, hotpot.ai लिख के आपको सर्च करना है। जो सबसे पहला वेबसाइट खुल के आएगा उसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको AI ग्राफिक पर क्लिक करना है और नीचे आइएगा तो सबसे नीचे से दो नंबर पर देखिएगा तो फेस इन्हांस का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको उस फोटो को अपलोड करना है जो जो कि धुंधला है, ब्लर है। तो चलिए हम यहाँ से इसको मिनिमाइज करके इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करते हैं, क्योंकि आप कहिएगा कि कोई दूसरा फोटो अपलोड कर दिए हैं। एक बार और हम इस फोटो को ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये धुंधला फोटो है, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको फिर यहाँ से जाते हैं लेके और यहाँ से अपलोड पर छोड़ दिए हैं। देखिए ये फोटो अपलोड हो गया है। अब आगे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अब आपको करना है गो पर क्लिक। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये HD में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फोटो जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर दोबारा इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो कुछ इस तरह से दिखा देगा, पूरा HD में डाउनलोड हो गया होगा। तो आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।